प्रधानमंत्री जी ये मारते हैं सांसद भवन में तो उस मंदिर का अपमान नहीं होता? शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ऐसे इशारा करता है सांसद भवन में। तो स्मृति ईरानी का करैक्टर आप सब जानते हो भारतवासियों, जो जो है अपनी सहेली के पति का अगवा कर लेती है, प्रेम जाल में फंस लेती है, तो क्या राहुल गांधी तरफ उनका नया इशारा है? सुनिए स्मृति ईरानी, आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी वो शेर है, झुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। और स्मृति ईरानी अगर तुम्हारे पास महिला विकास की मंत्री है तू ना, तो जा मणिपुर। सच्चाई ये है कि जो आज सहबाइन बड़की सहबाइन बनी हुई है सांसद में और महिलाओं के ऊपर एक सवाल नहीं पूछती अपने साहब से, एक सवाल नहीं पूछती और कहती कि कैसे हुआ हाथरस का कांड, कैसे हुआ अंकिता भंडारी का कांड। और सबसे बड़ी घटना हमारे मणिपुर में होती है, हमारी महिलाओं को की इज्जत को तार तार किया जाता है, उन्हें नंगा घुमाया जाता है, उस पर स्मृति ईरानी चुप रहती है। आज उनको किसकी बात करती है? और जब प्रधानमंत्री जी ये मारते हैं सांसद भवन में तो उस मंदिर का अपमान नहीं होता? शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ऐसे इशारा करता है सांसद भवन में, डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की 26 महिलाओं ने जो सांसद हैं उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखी, कहा महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। देखिए शेर के खिलाफ तो गीदड़ भौंकते ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा राहुल गांधी जी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई जो है ना इशारा किया ना फ्लाइंग किस किया हो, तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने उनको बातें कहने की कोशिश कर रहे थे, जिनका मजाक बनाने की कोशिश किया। सुन लीजिए स्मृति ईरानी, आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी वो शेर है, झुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, और देश के सिंहासन पर राहुल गांधी बैठने वाला है। जितना रोना है साहब के यादों में, जितना रोना है अभी से रोना चालू कर दो, इसलिए कि आप लोगों ने 9 साल जितना तानाशाह का शासन करना था कर लिया, अब आने वाला जो समय है वो देश की जनता का है। चरित्र हनन हो रहा है राहुल गांधी, राहुल गांधी का चरित्र हनन बीजेपी वाले 2014 के पहले से खूब करते आए हैं, लेकिन शेर हमारा निखर के आ गया और ये गीदड़ जो है भोगते रहे, इनके भोगने से राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की बात करता है, राहुल गांधी वो शेर है जिससे इनके सारे गीदड़ में खलबली मच गई है कि हाँ राम तो सत्ता चली जाएगी, अब तो राहुल गांधी जो है इस देश की कुर्सी पे बैठेगा और अमन भाई और चारा काम करेगा, इससे इनकी जो है कुर्सियां हिलने लगी है। यही सच्चाई है, राहुल गांधी के खिलाफ अफवाहें फैलाना बंद करिए, राहुल गांधी के साथ भारत की जनता खड़ी है। और स्मृति ईरानी अगर तुम्हारे पास महिला विकास की मंत्री है तू ना, तो जा मणिपुर, तेरे में दम है, अगर थोड़ा भी अगर तेरे पास इज्जत है तो जा मणिपुर के महिलाओं का दर्द बांट। और सुन, मैं तुम्हें एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि तूने जो है कह रही थी और ये भैया राहुल गांधी ने हमें फ्लाइंग किस कर दिया और सारी महिलाओं के ले जाके एप्लीकेशन लगा करके और जाकर के आप लोकसभा अध्यक्ष को दे आती हो और आपके ही सांसद हेमा मालिनी कहती है नहीं राहुल गांधी ने कोई फ्लाइंग किस नहीं किया। तो सच्चाई यह है कि तुम महिला बाल विकास मंत्री होते हुए भी तुम महिलाओं का दर्द नहीं समझी, और भारत की जो सम्मानित महिला जो भारत की नारी है जो भारत की हमारी जो है बच्चियां हैं वो उनसे पूछो तुम्हारे बारे में क्या कह रही हैं। शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी, आपको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, ये सच्चाई है। साहब के सारे पे कर रही है क्या स्मृति ईरानी ये सब कि भाई क्लेम किस पे मुद्दा बना दो, चिट्ठी लिख दो राहुल गांधी को, फिर से चैलेंज करो आओ अमेठी में चुनाव लड़ो। देखो राहुल गांधी तो अमेठी जाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी भारत के, मैं आज आपको वचन दे रही हूँ, भारत के किसी कोने से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो 5 लाख वोटों से जीत जाएंगे, ये हमारी भविष्यवाणी है। और मैंने आज कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि आने वाला वो समय दूर नहीं है जब भारत के सिंहासन पर माननीय श्री राहुल गांधी विराजमान होंगे। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे इस तरह कमेंट कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी बैठी थी सदन में लेकिन दिमाग में कभी वाला सीरियल आ गया, तो ये फ्लाइंग किस वगैरह उसका तो दिमाग में आया। देखिए स्मृति ईरानी का करैक्टर आप सब जानते हो भारतवासियों, जो जो है अपनी सहेली के पति का अगवा कर लेती है, प्रेम जाल में फंस लेती है, तो क्या राहुल गांधी की तरफ उनका नया इशारा है? राहुल गांधी 50-55 साल की औरतों पर कोई निगाह नहीं डालेगा, उनके ऊपर करोड़ों लड़कियां फिदा होती है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे इंसान नहीं है, सबको अपनी बहन मानते हैं, सबको इस भारत की अमर जो अमर शक्ति है उसको हमारी नारी शक्ति है उसको सबको बहन मानती है, मां मानते हैं और उस निगाह से देखते हैं। हमारे श्री राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी से इनका पूरा सिंहासन तकमगा रहा है, घरे राम राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी को तो
अरे मीडिया दिखा रहा है कि राहुल गांधी ने पहले हाथ मारी, फिर मीडिया ने दिखाया कि राहुल गांधी बेफालतू में मोदी जी के गले पड़ गए, अब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को क्लाइन चिट कर दी, कैसा चरित्र है? देखिए राहुल गांधी, हम तो कहते हैं पूरे भारतवासियों से, जब मोदी यू यू करता है इसका मतलब क्या होता है? अगर भारतवासी समझते हो तो देश के उस मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी देश को कितने हालत में पेश करते हैं कि देखिए हम, उसका मतलब भारत की जनता समझती है कि क्या तुम कहना चाहते हो। सच्चाई ये है कि तुम जितना फलाइन किसकी बातें करते रहो, राहुल गांधी दबने वाला नहीं है, राहुल गांधी बदनाम होने वाला नहीं है। राहुल गांधी को अगर मारना होगा, फलाइन किस करना होगा, तो कोई अच्छी लड़की से करेंगे, इनके जैसे बुढ़िया के ऊपर फलाइन किस नहीं करेंगे। इसलिए कि राहुल गांधी की छवि साफ सुथरा हो गई है, राहुल गांधी को घेरो। अरे तुमने जो है सेशन कोर्ट खरीदी, तुमने डिस्ट्रिक्ट खरीदा, हाई कोर्ट खरीदा, सब में राहुल गांधी को, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मैं सम्मान करती हूँ जिन्होंने पूरा सुना और राहुल गांधी के हित में फैसला दिया। ऐसी कौन सा अपराध राहुल गांधी ने कर दिया? चोर को चोर कह दिया तो अपराध हो गया क्या? सारा हमारा 25 लाख करोड़ रुपया देश का ये पूंजीपति लेके भाग जाते हैं और ये नकारा प्रधानमंत्री है जो पैसा लाने की कोशिश नहीं करता और भारत की जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। राहुल गांधी एक साफ सुथरे नेता है, उनके खानदान में राजनीति है, उनके नाना प्रधानमंत्री, उनकी जो है नानी, उनके पापा प्रधानमंत्री। तो सच्चाई यह है कि जितना इनको कहना है कह ले, लेकिन उनकी दादी भी प्रधानमंत्री रही थी, इनको जितना करना है कर ले, आने वाला समय जो है राहुल गांधी का। बीजेपी वाले राहुल गांधी को माफी मंगाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, अभी कुछ दिन पहले मोदी मानहानि मामले में बोल दिए माफी मांग लो बच जाओगे, अब फिर महिलाओं को क्लाइंट वाले मामले में भी स्मृति ईरानी बोल रही माफी मांगनी पड़ेगी। शेर कभी माफी नहीं मांगता है, गीदर माफी मांगेंगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे ना जो जाके विदेशों में रोते थे, राहुल गांधी कोई माफी नहीं मांगेगा। राहुल गांधी सच का साथ देता, राहुल गांधी हमारे कहते हैं डरो मत। आज भारत की जनता कोई नहीं डर रही है ताना शासन से, इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा पूंजीपतियों का इन लोगों ने फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी आज 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 इसी जो हमारी 21वीं सदी के जो हमारे नायक होंगे माननीय श्री राहुल गांधी होंगे। मैंने भविष्यवाणी पहले भी की है कि राहुल गांधी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले कहावत भी कही जाती थी किसी से जीत ना पाओ तो उसका चरित्र हनन कर दो, बीजेपी क्या इसी पथ पे चल रही है क्या राहुल गांधी को हराने? देखिए स्मृति ईरानी अपने सहेली के पति पर पति को जो है कब्जे में कर लिया, तो अब राहुल गांधी वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल कर दिया, पार्लियामेंट में पहुंच गए, तो सोचा कि साहब से तो आंख डाल के अब राहुल गांधी सवाल पूछेगा, तुम मुद्दे को गुमराह कर दो और फ्लाइन किस पे ले जाओ। सच्चाई है भारत की जनता समझ चुकी है, स्मृति ईरानी तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, भारत की नारियों की अस्मिता और इज्जत लूट रही है और तू राहुल गांधी को मजाक बनाने में लगी है, शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी। आखिरी सवाल पूछूंगा, कभी सोचा था कि एक महिला जो महिला बाल विकास मंत्री है वो मणिपुर पर चुप रही, और जब सदन में विपक्ष का नेता मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर सवाल करेगा तो उस मुद्दे को फ्लाइंग किस पे लाके खत्म कर देगी और महिला होकर इस तरह की निचले स्तर की राजनीति करेगी? देखिए अगर हमारे राहुल गांधी फ्लाइंग किस भी किए होते तो कोई बुरी बात न करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उसका मजाक इन लोगों ने उड़ाया। राहुल गांधी प्यार बांटते चल रहे हैं, राहुल गांधी फ्लाइंग किस का मतलब क्या होता है? लव यू ऑल कहते हैं ना, तो वो तो प्यार बांटते चल रहे हैं, तो नफरत को मिटाने का काम कर रहे हैं, तो अब उनको तुम घेरने से राहुल गांधी घिरने वाला नहीं है, ना रुकने वाला है, ना दबने वाला है। शेर दहाड़ते हुए तुम्हारे जो ये पार्लियामेंट का सदन बनवा के बैठे हो ना, उस सिंहासन पर राहुल गांधी ही बैठेगा, ये सच्चाई है।